एमसीडी मेयर चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है और ऐसे चुनाव में बीजेपी बाजी पलटने में माहिर है। यही वजह है कि चुनाव से पहले केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता बढ़ गई है। वहीं एमसीडी मेयर चुनाव से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना के एक फैसले से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने फिर से आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आम आदमी पार्टी अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए समर्थित पार्षदों की लामबंदी में लगी हुई थी, तब तक दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ दूसरी गुगली उछाल दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब उस गुगली के जाल में फंस गई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार उपराज्यपाल पे ये आरोप लगाया कि उपराज्यपाल निगम के कामों में अड़ंगा डालने के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब समझिए आप इस बात को कि नगर का काम अभी सही से शुरू भी नहीं हुआ है, इससे पहले ही काम से बचने के लिए बहानेबाजी शुरू हो गई है। आखिर क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी को बहानेबाजी की लेनी पड़ी शरण? असल में दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार को सिविल सेंटर में होगा। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से 10 पार्षदों को मनोनीत किया गया है। एलजी द्वारा मनोनीत पार्षदों के सामने आने से एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एलजी द्वारा मनोनीत पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि मनोनीत किए गए 10 पार्षद बीजेपी के नेता हैं। एलजी द्वारा एमसीडी में मनोनीत 10 पार्षदों को एल्डरमैन कहते हैं और ये अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं। हालांकि इन पार्षदों से एमसीडी मेयर चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सभी मनोनीत पार्षद सभी वार्ड समिति और स्थायी समिति में वोट डाल सकते हैं और इसी वजह से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि विकास कार्यों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। यानी कि काम करने से पहले ही आम आदमी पार्टी काम चोरी के बहाने ढूंढ रही है। वहीं शुक्रवार को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए सिविल सेंटर में ही व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी की बेचैनी तब तक रहने वाली है जब तक मेयर और डिप्टी मेयर के परिणाम नहीं आ जाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपने कट्टर ईमानदार पार्षद पर थोड़ा बहुत शक तो है कि कहीं वो कट्टर से कमल वाले न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।